दुनिया भर में जमकर प्रयोग होने वाली माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को लेकर भारत में एक और बवाल हो गया है। ट्विटर पर एक ऐसा नक्शा नजर आया जिसमें ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे में नहीं दिखाया। इससे ट्विटर एक बार फिर भारत में कटघरे में खड़ा हो गया है। ट्विटर के जिस नक्शे पर विवाद हुआ उसमें बाकी सभी देशों के नक्शों को सही से दिखाया गया था, केवल भारत के नक्शे से ही छेड़छाड़ नजर आई। ट्विटर भारत में नए आईटी कानूनों को लेकर पहले ही सरकार के साथ भिड़ चुका है। ऐसे में भारत का नक्शा गलत दिखाने की गलती का हाईलाइट होना लाजमी था। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया गया उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि ट्विटर ने अब ये गलत नक्शा हटा लिया है, लेकिन ट्विटर की इस हरकत के खिलाफ यूपी में केस दर्ज हो गया है। दरअसल ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीप लाइफ सेक्शन में वर्ल्ड मैप है, जहां से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है। इस मैप में भारत भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया था। इसे बाद में दुरुस्त कर लिया गया, लेकिन तब तक भारत में बवाल मच चुका था। हालांकि ट्विटर ने पहली बार ये गलती नहीं की है, भारत को लेकर पहले भी ट्विटर इस तरह की गलती कर चुका है। पिछले साल 12 नवंबर को ट्विटर ने लद्दाख को चीन के हिस्से के तौर पर दिखाया था, जिस पर भारत में काफी हो हल्ला मचा था। केंद्र सरकार ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद ट्विटर को लिखित तौर पर भारत से माफी भी मांगनी पड़ी थी। पिछले कई महीनों से नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच तल्खी रही है। ट्विटर ने अपने ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी केसल की भी भारत में नए ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति की, लेकिन भारत के नए आईटी कानून के तहत ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर केवल भारतीय नागरिक की ही नियुक्ति हो सकती है। इस पर ट्विटर ने धर्मेंद्र चतुर को अपना ग्रीवांस ऑफिसर बनाया था, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है।